आज हम चमारीखेड़ा आश्रम पर हैं जो सहारनपुर में पड़ता है। देवी परीक्षा पास की है, जज बनने पर इनको हार्दिक शुभकामनाएं और चमार बुलेटिन टीम की तरफ से हम लोग जो हैं हम भी इनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि देश में दुनिया में तरक्की करें। एक समय था कि महिलाओं को शिक्षा में भागीदारी नहीं थी, लेकिन आज रेल से लेकर प्लेन तक जो है महिलाएं चला रही है। जब शिक्षा की तरफ उन्होंने कदम रखा, लोगों ने उनको आजादी दी, स्वतंत्रता दी शिक्षा की तरफ, क्योंकि लाड़मे काले अंग्रेज यहाँ भारत में आए थे, उन्होंने आईपीसी की धारा करके समान शिक्षा यहाँ लागू की थी। उनकी बदौलत फिर हमारे बहुत सारे महापुरुषों का ऐसा योगदान रहा। तो बहन जी बताएंगे कैसा उनको महसूस है, उनके परिवार में रिश्तेदारों में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और जी बिल्कुल बिल्कुल, बनने के बाद में बहुत ही परिवार बहुत खुश है और सभी सभी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। अपना परिचय आपका मालिक कहाँ, आपके घर वालों को कितनी खुशी, आप ससुराल से आई अभी तो। जी मेरा नाम दीपिका रानी है और मैं आगरा की रहने वाली हूँ और शादी मेरी सहारनपुर में हुई है और दोनों ही परिवारों का बहुत ही सहयोग रहा इस जर्नी में, इस यात्रा में, और उन दोनों परिवारों की वजह से ही मैं आज यहाँ पर इस लक्ष्य को मैंने हासिल किया है। जी, आपके जो स्वामी है प्राणनाथ पति, हम उनको कहेंगे उनकी कितनी भागीदारी आपको सपोर्ट करने में। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा भागीदारी रही है उनकी बनाने में, क्योंकि शादी के बाद तो एक महिला जो रहती है वो हमेशा जो हस्बैंड चाहते हैं वही करती है, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा कुछ करना है तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि हर तरीके की व्यवस्था उन्होंने अरेंज कराई, बुक्स अरेंज कराई उन्होंने, और जो वो जो मैंने मांगा उन्होंने दिया और उसके बदौलत ही मैं यहाँ पर हूँ। वो तो मतलब उनके बगैर शायद मैं यहाँ पर ना होती, वो मेरे जीवन के एक बहुत ही बड़े शक्तिशाली स्तंभ हैं और उनके शायद उनके उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपकी शादी हो कितना समय, कितने बच्चे हैं, उस जरा थोड़ा सा बताएं, एक मैसेज है आप महिलाओं के लिए। मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है 11 साल का। लक्ष्य कैसे बनाया आपने कि मुझे जज बनना है, कैसे आपको ये जज्बा ये अंदर की फीलिंग आई, कैसे दिखाई? नेचुरली जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी एक गृहिणी थी और शादी के 8-10 साल तक मैं इसी व्यवस्था में रही, गृहिणी व्यवस्था में, और जब मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो उस दिशा में मैंने कहा कि मुझे LLB करनी है। फिर उन्होंने मुझे LLB कराई और उसके बाद फिर मैंने इस दिशा में तैयारी की, जुडिशरी की तैयारी करी और उसके साथ ही जब लगातार एक निरंतर प्रयास किया, क्योंकि आप इसमें बीच बीच में आप रुक रुक के तैयारी नहीं कर सकते हो, इसके लिए एक निरंतर और लक्ष्य रहता है, आपको निरंतर तैयारी करनी पड़ती है और एक रूटीन बनाना पड़ता है, एक लक्ष्य एक टाइम टेबल के साथ ही चलना पड़ता है, क्योंकि पारिवारिक अवस्था में नेचुरली टाइम नहीं होता है, तो आप एक टाइम टेबल के जरिए ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और मैंने भी वही किया और उसी की सफलता की वजह से आज मैं आऊँ। गुरु रविदास जी के शरणों में आ जाइए, पुष्प अर्पित कर लें महात्मा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, शिलान्यास इन्होंने पुस्तकाल लेगा जी जी, उनके बारे में जो स्वामी समन्दा जी, उनका इतना बड़ा मिशन शाकाहारी और शिक्षा पे जोड़ देते हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं आप जी, जी, जी। बच्चों को परिश्रम कराने के लिए ताकि वो आगे बढ़े, उनके लिए क्या कहेंगे संतों के उपमा में? जी वो तो हमारी इस समाज के लिए ऐसे वरदान है जो इतने महत्वपूर्ण है कि आज तक हुए ही नहीं है जी। तो मैं चाहती हूँ कि जो उनके विचार हैं और उन्होंने रखे हैं कि सब समाज में सब बराबरी का अधिकार प्राप्त करें, जाति व्यवस्था को वो नकारते हैं जी। और उसके साथ ही महिला और पुरुष की बराबरी का अधिकार देते हैं प्राप्त होनी चाहिए। तो मेरा मानना भी है कि सब परिवार के लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाने में सहयोग करें, क्योंकि ये नहीं पता कि आगे जाके बच्चा क्या लक्ष्य हासिल कर लेगा और उसको परिवार का सपोर्ट जरूर होना चाहिए। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं है तो बच्चा नेचुरली नहीं कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि पारिवारिक सपोर्ट बिल्कुल जरूरी है, चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो। यही मेरी सब परिवारों से एक दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें जी। जी देखिए बहन जी ने कितनी अच्छी बात कही, इस विषय में गुरु रविदास जी ने 600 साल पहले कहा है, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या पढ़े नर है जान न जान। हम लोग बिना एजुकेशन बिना पढ़ाई बिना शिक्षा के हम अनजान है, वेदा भी जान है। तो बहुत एक जनपद सहारनपुर का आपने नाम रोशन किया है और 900 के करीब हमारे UPSC के सिलेक्शन हुआ है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तरह आपके बच्चे। दीपिका जी को वो आए और दो शब्द संगत को निहाल करें। दीपिका जी दो शब्द अपना जो है थोड़ा सा इधर भी।
भाई मत इसलिए खुश हो रहा कि हमारे रिश्तेदार भी हैं ये और भाई जज भी बन गए तो भाई हमारा तो फायदा ही होगा, कोई का दम खत्म होगा हल हो ही जाएगा। सतनाम संत रविदास जी। अखिल भारतीय संत श्रोमणि श्री रविदास मिशन जी की तरफ से और अध्यक्ष जी श्री राजकुमार जी की तरफ से आज मुझे यहाँ पर जो आमंत्रित किया गया है उसके लिए मैं उन लोगों का और सब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और अपने दो शब्द व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो कार्य हमारे श्री रविदास जी महाराज जी ने 14वीं 15वीं शताब्दी में बनारस में शुरू किया था, उनका कार्य था अनेकता में एकता लाएं, जाति व्यवस्था को ना माने और अब बड़ा समाज में बराबरी का सबको सम्मान मिले, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए श्री समनदास जी महाराज जी ने बहुत अच्छा कार्य किया क्योंकि उससे पहले ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं थी लेकिन समनदास जी की महाराज जी की कृपा से और उनके प्रचार कार्यों की वजह से हमें जगह जगह पे पता चला, जगह जगह पे आश्रम खुले और उनकी हमें नीतियों का पता लगा। जब हमें उनकी नीतियों का पता लगा उनका भी यही विचार था कि सब महिला हो पुरुष हो सब समाज में बराबर हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जो नीतियां थी कि महिलाओं को बराबर योगदान दिया जाए समाज में भी आगे बढ़कर आए और ये कार्य मात्र शिक्षा के आधार पर ही किया जा सकता है। शिक्षा उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई किसी से कम नहीं है, हमारा समाज में आप भी वही बराबर सम्मान प्राप्त कर सकते हो केवल शिक्षा के दम पर, क्योंकि हमारे समाज में ज्यादा संपत्ति इतनी अच्छी नहीं है, लोगों के पास पहले से इतनी अच्छी अमीरी व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य शिक्षा के आधार पर कर सकते हैं और मैंने भी इसी शिक्षा को ही आधार बना के आज मैं सब आप लोगों के सामने हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में शिक्षा को एक बहुत ही बड़ा आधार बनाएं और जीवन में आगे बढ़े और यही महिला और पुरुष की बराबरी का समानता का अधिकार भी यहीं से निकलता है। यही मेरे दो शब्द हैं और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर अध्यक्ष जी श्री राजकुमार जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और ये आश्रम व्यवस्था आगे चलती रहे, मजबूत होती रहे, यही हमारा जो है विचार है। और उसके साथ में मैं कुछ दो बातें और करना चाहूंगी कि मैं अपनी पहली तनख्वाह से इस लाइब्रेरी को कुछ ना कुछ योगदान अवश्य करूंगी और उसके साथ ही दूसरी बात ये कि मैं इस लाइब्रेरी में कुछ अपनी कीमती किताबें जरूर ही दूंगी जिससे इस लाइब्रेरी में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सुधर सके और हमारे बच्चे उस शिक्षा को प्राप्त कर सके जो उनके लिए वास्तव में जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ है गुणवत्ता वाली शिक्षा ना कि अनावश्यक शिक्षा। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी किताब कुछ कीमती किताबें मैं यहाँ पर दूं जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक राह बन सके, उन्हें पता चल सके कि कहाँ से पढ़ना है और एक मार्गदर्शन के रूप में वे किताबें उनके लिए कार्य कर सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ इस पूरी रविदास मिशन जी का, राजकुमार जी का और इस समिति का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सारी जनताओं का जिसने मुझे इतना प्यार दिया, धन्यवाद जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी जिन्होंने जज बनने के बाद सर पहले गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक किया। अन्य जज बनने के बाद तो लोग भूल जाए घर वालों को भी बने, लेकिन इन्होंने बड़ा ध्यान रखा कि समाज भी है और भाई विधायक जी का नाम भी है, हमारे जो विधायक जी हैं और हमारे जो विधायक जी हैं उनका पूरा सहयोग भी है
और केवल ये हमारे जो रिश्तेदार हैं यही जज नहीं, इनके परिवार में जो इनके और अन्य हमारे परिवार के साथी हैं वो भी इनके परिवार में कई जज हैं। खुशी की और बात लो डबल धमाका, मतलब जज और भी हैं। ये अपने जो इनके पिता हैं वो भी जज हैं, उनके मार्गदर्शन से ये जज बने। और ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि महिला होते हुए इन्होंने इतना संघर्ष किया और वो भी इस सरकार में इन्होंने ये पद हासिल किया। तो मैं महिला शक्ति से कहूंगा जोरदार इनके नाम जय कलेपिंग एक बार कर दी जाए और इनका उत्साहवर्धन किया जाए। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समरनाथ जी महाराज की। आज का जन्मदिन का जो कार्यक्रम था उसमें कुछ संदेश हम देना चाहते हैं बार बार। हमारी सोच यह है कि हमारा समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो नशे की ओर बढ़ रहा है, जो रात दिन नशे को पी रहा, वो शिक्षा पीवे और नशा छोड़ दे, वो शिक्षा पीवे और नशे को छोड़ दे। तो हमारे विधायक जी डॉक्टर मामचंद लांबा जी वो भी आए और दो शब्दों में जो हमारे विधायक जी हैं डॉक्टर मामचंद लांबा जी, जिनका जिला सहारनपुर में काफी पुराना नाम है और आज हमारे बीच में यहाँ पर संगत के रूप में पहुंचे हैं, तो इनकी जो हमारे पुत्र वधु है वो जिला सहारनपुर में, उन्होंने एक ऐसा काम किया है, ऐतिहासिक काम, जिससे हमारा समाज का नाम, हमारे चमार समाज का नाम, हमारे रविदास मिशन का नाम, हमारे पूरे जिले सहारनपुर का नाम आज बड़ा गदगद है, बड़ा गदगद है। जब कभी नाम सुनते थे कि भाई जज के यहाँ जा रहे हैं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। जज कहते हैं जो न्याय करता है, तो उन्होंने अपनी शादी के बाद ये नहीं घमंड करा कि मैंने विधायक के घर में शादी कराई, मैंने विधायक के घर में शादी कराई, यह घमंड नहीं करा। रात दिन 10-12 साल पढ़ करके अपनी नेक कमाई से और अपनी मेहनत से जज बनने का काम किया। सतगुरु महाराज जयकार हो और उनको जो है शुभकामनाएं पूरे आश्रम की ओर से, पूरे समाज की ओर से, जिला सहारनपुर की ओर से, कि उन्होंने महिला होते हुए, एक तो जो है पुरुष होता है लेकिन महिला होते हुए उन्होंने जो जज की कुर्सी थामी है, जहाँ पर बैठकर को न जाने कितने लोगों को न्याय देंगे। और जो है ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारी महिला सोचती है कि भाई हम तो घर तक सीमित है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बाबा साहब का मिशन, काशीराम का सपना, समनदास महाराज जी का सपना आज रात दिन आगे बढ़ रहा है और शिक्षा के द्वार खुलते जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में क्या नाम है, दीपिका जी, दीपिका जी, हमारे बीच में श्रीमती दीपिका जी जो एक जज के रूप में इस पवन भूमि पर आई है और लाइब्रेरी के उद्घाटन के रूप में आई है, तो लाइब्रेरी में उनका पूरा सहयोग रहेगा। और हम चाहेंगे कि आज एक महिला जज बन करके आई है, कल को हमारी अनेक महिला यहाँ जज बन करके आए। ऐसी अरदास स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में करते हैं कि समनदास महाराज जी का जो जन्मदिन है वो केवल सत्संग में सत्संग के साथ शिक्षा का भी क्षेत्र हो, पढ़ाई का भी हो, अधिकारी का भी हो, नेता भी हो, अभिनेता भी हो, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। सतनाम, जय भीम। और वीना बहन जी जो देहरादून से पहुंची है वो उनका स्वागत करें। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा दिल जय बाग बाग है, आज हमारे बीच में एक महिला के रूप में, एक लड़की के रूप में, एक नारी के रूप में एक जज ने आज यहाँ जिले सहारनपुर में, बड़ी खुशी का माहौल है। स्वामी समनदास महाराज जी का जन्मदिन मन गौर रोज मनाओ, ऐसे जज मिलते रहे, जन्मदिन मनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने की। बोलो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, आपके जन्मदिन की, सभी संत महात्माओं की, सभी संत महात्माओं की, सभी आश्रमों की, गुरुगद्दी सुकरताल धाम की, गुरुगद्दी सुकरताल धाम की, महात्मा राजकुमार दास परमचारी जी की, महात्मा राजकुमार दास परमचारी जी की, सतनाम संत रविदास जी। तो बड़े बहुत धन्यवाद और दीपिका जी का भी बहुत धन्यवाद। हमारा जो मन है बड़ा प्रसन्न है, एक फूल खिला गुलशन में, जय 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 सतनाम। अब मैं आमंत्रित करूंगा, मैं कुछ अपनी टीम की किताबें जरूर दी दूंगी जिससे लाइब्रेरी में, जिससे लाइब्रेरी में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सुधर सके और हमारे बच्चे उस शिक्षा को प्राप्त कर सके जो मेरे वास्तव में जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ है गुणवत्ता वाली शिक्षा, ना कि अनावश्यक शिक्षा। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी किताब कुछ टीम की किताब में यहाँ पर दूं, इसे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रभावन
सके, उन्हें पता चल सके कि कहाँ से पढ़ना है और एक मार्गदर्शन के रूप में किताबें उनके लिए तैयार कर सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ उस पूरी रविदास मिशन जी का, राजकुमार जी का और इस समिति का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आज सारी जनता का जिसने मुझे इतना प्यार किया। धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी जिन्होंने दिल बनने के बाद हमें बनाने के लिए नमस्कार किया। अभी दिल बनने के बाद